हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला, और हम हाजिर हैं एक और वेबकास्ट में। मेरे साथ हमेशा की तरह हैं शाहिद खान। वेलकम शाहिद। हेलो सौरभ एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वेबकास्ट। और आज हमारा व्यू भी डिफरेंट है क्योंकि हम डिफरेंट ऐप यूज कर रहे हैं इस बार। तो आप हमें जरूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। हमें थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, बट क्या आज लेकर आए हैं हम नई वेबकास्ट। और सौरभ, आज की वेबकास्ट बहुत सही है और बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी इसकी, स्टार्टअप्स के बारे में। यस, जॉब्स एंड स्टार्टअप्स फॉर फ्रेशर्स, यानी फ्रेशर्स के लिए अगर वो स्टार्टअप में जॉब करना चाह रहे हैं तो इसके बारे में हमारे क्या व्यू पॉइंट्स हैं, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह जो बताता हूँ वो रिचुअल निभा देता हूँ। आप लोग इस वेबकास्ट के अंत में एक लिंक देखेंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, लर्न एंड अर्न कॉन्टेस्ट का। उस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। उसमें 3 सिंपल सवाल पूछे होंगे आज ही की वेबकास्ट पे आधारित, और इन सवालों के जवाब देकर अगर आपके जवाब सही हुए तो आपको मौका है माय सरजी की तरफ से गिफ्ट जीतने का। तो शायद आज शाउट आउट में किसका नाम है? आज शाउट आउट में नाम हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही है, और ये क्वेश्चन पूछा है प्रताप सिंह ने। और इनका क्वेश्चन है जॉब इन स्टार्टअप और जॉब इन बिग एमएनसी, विच जॉब शुड वी प्रिफर। और आई थिंक हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देने की बजाय हम लोग अपने डिस्कशन में ही दे देंगे। बिल्कुल सही है, प्रताप सिंह का जो क्वेश्चन है उसी पर आधारित आज की हमारी वेबकास्ट है। और सारी बातें सुनने समझने के बाद मुझे लगता है आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि आपको स्टार्टअप में ज्वाइन करना चाहिए या मल्टीनेशनल कंपनी में, जो एस्टैब्लिश कंपनीज हैं जिनको हम स्टार्टअप नहीं बोलेंगे, उनमें ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। शायद आप स्टार्टअप किन कंपनीज को कहते हैं? स्टार्टअप काफी ट्रिकी वर्ड है क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 4-5 सालों से हैं लेकिन फिर भी दे आर स्टिल कॉल्ड स्टार्टअप्स। आई वुड से कि स्टार्टअप्स वो कंपनी है जिन्होंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है। ये ऐसा हो सकता है इमीडिएटली या फिर 2 to 3 years, और मे बी हम लोग उसको 3 to 4 years का एक स्पैन मान लेते हैं। दे आर ग्रोइंग एंड दे आर एक्चुअली फंडेड मोस्टली। तो हम बड़ी जब भी स्टार्टअप की बात होती है एक इमेज दिमाग में आती है ऊबर, लिफ्ट, इस तरह की कंपनीज जो काफी फेमस हो गई हैं, काफी छोटे लेवल से स्टार्ट हुई थी लेकिन उनकी फंडिंग हुई है एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग अप। और मोस्टली ये तो फंडिंग की बात हुई है। दूसरा जो उसमें एम्प्लॉयज हैं वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, इट इज नॉट लाइक हायरिंग लाइक बिग एमएनसीज। सो मेरे हिसाब से तो स्टार्टअप वही कंपनीज हैं जो एक स्मॉल लेवल से कंपनी उठी है, 3-4 साल हुए हैं और स्टिल इट इज ऑन क्राउड फंडेड, या तो क्राउड फंडेड होगी या फिर वीसी होगी, मतलब किसी इन्वेस्टर ने उसे फंड किया होगा। एंड दे आर स्टिल ग्रोइंग इन द मार्केट, सो दे आर नॉट येट एस्टैब्लिश्ड कि ओके इनकी ग्रोथ इतनी ही रहेगी, दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। सो उनका चार्ट जो है ऐसा होना चाहिए। ओके, सो इन माय ओपिनियन जो स्टार्टअप्स हैं वो देखिए दो तरह के बिजनेस हो सकते हैं। एक बिजनेस जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस कहलाता है, ये ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव नहीं हो रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस वो सब चल रहा होगा, लेकिन उनका अपना एक मार्केट बन चुका होगा, वो उसमें से प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे, वो एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। और उस बिजनेस को रन करने के लिए उनके पास काफी सारे एम्प्लॉयज भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन जो स्टार्टअप्स होती हैं, स्टार्टअप देखिए बिजनेस स्टैब्लिश होने से पहले क्या होता है, एक आइडिया होता है जिसपे कुछ लोग वर्क कर रहे होते हैं और धीरे धीरे वो टीम को बिल्ड कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस को स्केल कर रहे होते हैं और इसके लिए फंडिंग जुटा रहे होते हैं। और हो सकता है विदाउट प्रॉफिट 5-5, 6-6 साल तक वो बिजनेस को बस एक्सपैंड करने में लगे रहे और उसके लिए वो ढेर सारी फंडिंग मार्केट से रेज करे, और फिर एक दिन आएगा जब वो कह सकते हैं कि हमारा ये बिजनेस अब एस्टैब्लिश हो चुका है। तो जो स्टार्टअप कंपनीज हैं बेसिकली किसी ना किसी आइडिया पर अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं, कुछ थोड़े से लोग मिलकर उस कंपनी को स्टार्ट करते हैं और कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ वो अपने जो भी प्रोडक्ट जो वो बनाना चाह रहे हैं या जो भी बिजनेस वो करना चाह रहे हैं उसको एक लेवल तक लेकर जाते हैं, और उस लेवल पर पहुंचाने के बाद और ज्यादा फंडिंग रेज करवाते हैं जिससे कि वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करते हैं। और ये चलता रहता है काफी समय तक जब तक कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हो। और इसमें कई बार ये भी होता है कि वो स्टार्टअप इस जर्नी को पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, बीच में ही वो कंपनी बंद हो जाती है, उनको लॉसेस हो जाते हैं, वो उनको फंडिंग नहीं मिल पाती है तो उनका काम आगे नहीं बढ़ पाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्टार्टअप इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी,
जिसको अभी ग्रो करना है। शायद आजकल तो वैसे मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब एक बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा जीवन को खतरा उसके अर्ली इयर्स में ही होता है। लेकिन आजकल हमारा मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है कि हम लोग सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, लेकिन इसी तरीके से स्टार्टअप्स का होता है और उसका सर्वाइवल रेट अच्छा करने के लिए मार्केट में भी बहुत सारे तरह के आइडियाज इंप्लीमेंट हो चुके हैं, जिससे स्टार्टअप्स का ये जो दौर है ये काफी प्रॉमिसिंग हो गया है पहले की अपेक्षा। तो शायद मेरे ख्याल से यही है स्टार्टअप, और जो भी लोगों को लगता है कि कुछ और बेहतर डेफिनेशन वो ला सकते हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आप स्टार्टअप क्या है उसकी डेफिनेशन जरूर बताइएगा। हाँ, तो स्टार्टअप में, और पता है स्टार्टअप एक्चुअली बिफोर इट बिकम्स प्रॉफिटेबल, एक जो बड़ा चंक रहता है जो ज्यादातर फाउंडर्स देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये एक सर्टन लेवल पर आ जाए एंड दे स्टार्ट फाइंडिंग समबडी जो इन्हें एक्वायर कर सके। ये बहुत ज्यादा होता है स्टार्टअप्स में कि कोई बड़ी कंपनी है जिससे इस तरह का डोमेन भी चाहिए और दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल एनहेंस देयर प्रोडक्ट सुइट, कि उनके पास कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट उस कैटेगरी में ऑलरेडी है एंड दिस प्रोडक्ट विल अगेन ब्रिंग अ वैल्यू। तो ज्यादातर स्टार्टअप्स यही देखते रहते हैं कि ओके, दो चार साल करेंगे इसको एक लेवल पर लेकर आएंगे एंड देन वेट फॉर समबडी टू एक्वायर इट, क्योंकि जब एक्विजिशन होता है तब जाकर उनकी जो मेहनत बोलते हैं ना, जितना भी उन्होंने स्पेंड किया है वो उसको डबल ट्रिपल इस तरह से मिल जाता है। सो दैट इज वन थिंग, क्योंकि जब स्टार्ट एक्विजिशन होता है तब काफी पैसा मिलता है फाउंडर्स को भी और सारे एम्प्लॉयज को भी, बिकॉज हूएवर इज द शेयर होल्डर। सो दिस इज आवर शॉर्ट एंड ब्रीफ डेफिनेशन अबाउट स्टार्टअप। तो सौरभ, हम डायरेक्ट अभी स्टार्टअप्स के बारे में एग्जैक्टली बात करने के लिए नहीं आए हैं, हम बात करने के लिए आए हैं कि स्टार्टअप्स में जॉब्स किस तरह के हैं। तो व्हाट इज द वर्क कल्चर, सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्क कल्चर ऑफ अ स्टार्टअप। देखिए, स्टार्टअप में सबसे पहली बात तो ये होती है कि टीम बहुत बड़ी नहीं होती है, कम एम्प्लॉयज होते हैं, और जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल जॉब प्रोफाइल्स की, क्योंकि बिजनेस का मॉडल जैसा होगा उसमें कई तरह के जॉब प्रोफाइल्स निकल कर आएंगे और डेफिनेटली हम लोग कई सारे जॉब प्रोफाइल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर टेक्निकल जॉब प्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं जिसमें प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्टफ इन्वॉल्व होता है। तो शुरुआत में आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आती है, यानी टीम साइज छोटे होते हैं, कम लोग रहते हैं, तो हो सकता है एक या दो बंदों को ही प्रोडक्ट का बहुत मेजर पोर्शन डेवलप करना हो या उसमें एनहांसमेंट करना हो, तो इस तरह की रोल्स वहां पे निभाने पड़ते हैं। तो वर्क कल्चर के बारे में एक बात तो मैं बता सकता हूँ कि भाई देखो, काम बहुत रहता है, अच्छा काम है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये भी सही है कि आप अपने आप को पूरे ऐसे झोंकना होता है जैसे ये आपका ही बिजनेस है। हर स्टार्टअप आपसे ये डिमांड कर रहा होता है जो भी आप वर्क प्रोफाइल पे वहां पर जा रहे हैं। तो वर्क कल्चर के मामले में इट इज फॉर बैचलर्स, आई से, मतलब ये टर्म मेरे दिमाग में आ रही है कि इट इज फॉर बैचलर्स, व्हाट डू यू से? तो सौरभ, यस, यू आर राइट, लेकिन चलिए बात करते हैं हम फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्टअप का जो वर्क कल्चर रहता है, देखिए अगर ये समझिए सौरभ और मैंने एक नए स्टार्टअप प्लान किए और हमारे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है किसी तरह का, से फॉर एग्जांपल हम अभी अपनी फील्ड से निकलकर एक हम हेल्थ डोमेन में देखते हैं कि हम कोई ऐसी एप्स बनाना चाहते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर चेक करे या नॉर्मल यू नो जनरल स्टैटिस्टिक्स, और जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तब या तो हम दोनों ही काम करते रहेंगे या फिर अगर एक सर्टन लेवल पर वो स्टार्टअप चली गई है तब जाकर हम हायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब हम हायरिंग करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें भले ही फंडिंग मिल गई है लेकिन हम ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते, सो वी वांट ओनली मेनली 2 डेवलपर्स एंड मे बी 1 प्रोजेक्ट मैनेजर और समथिंग समबडी हु कैन टेक केयर ऑफ लाइक सोशल मीडिया एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। सो वी हैव लाइक 3 मेन रोल्स। अब यही अगर हम कंपेयर करें किसी मल्टीनेशनल कंपनी से तो इस सिंगल प्रोजेक्ट के लिए वो 10 लोगों को हायर कर लेंगे, बट क्योंकि स्टार्टअप है इसलिए इतने लोगों को हायर नहीं कर सकते, क्लोज कल्चर रहेगा, तो टोटल हायरिंग के बाद भी 5 पीपल आर वर्किंग और हर एक का देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20% इन द प्रोजेक्ट। 5 लोग हैं, 20% इन द प्रोजेक्ट, यानी कि हर एक के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो टेक्निकल बंदे हायर करेंगे उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिकॉज दे नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द टेक्निकल चैलेंजेस। वहां पर ये एक्सक्यूज नहीं किया वो मैंने इस टेक्नोलॉजी में तो कभी वर्क नहीं किया, नो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको
इसीलिए हायर किया है बिकॉज यू वर फिट टू दीज टेक्नोलॉजीज. सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू नो फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन और इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है. तो जो वर्क कल्चर है वो एक तो क्लोज है, काफी क्लोजली नेटेड टीम है. दूसरा, सबके ऊपर अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. टेक्निकलिटी या टेक्निकल स्किल्स आपसे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट की जाती है. और फिर ऐसा है कि आपको उस प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट मान के करना है. इट्स नॉट लाइक ओके मेरा तो जॉब 9 to 5 का है, मैं मॉर्निंग 9 o'clock आऊंगा और 5 o'clock या 6 o'clock को चला जाऊंगा. इट इज नॉट लाइक दैट. जैसे मान लीजिए कि आप एक सिंपल सी बात समझिए कि आप एक शहर में मार्केट में दुकान ओपन करना चाहते हैं. अभी दुकान आपने शुरुआत करी है, आपके पास ग्राहक कम आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नए नए आइडियाज लगाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, मार्केटिंग भी करेंगे, सब करेंगे, पूरी जान झोंक देंगे. इस समय आप जिन वर्कर्स को रखेंगे आप उनसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी इन सभी बातों को इम्प्लीमेंट करने में जी जान एक कर दें. आप उनमें विश्वास जगाएंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, आप उनको पर्क्स का लालच भी देंगे, हर तरीके से आप काम करवाने की कोशिश करेंगे. स्टार्टअप्स भी बिल्कुल शुरुआत में ऐसे ही काम कर रही होती हैं, और एक बार जब आपकी दुकान चलने लगती है तो सिर्फ आपको उसको मेंटेन करके रखना होता है, और उसके लिए भी आप में इनोवेशन होना चाहिए, लेकिन वो उतना पेनफुल जॉब नहीं रहता है, बस कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पर स्टार्टअप्स में भी कहानी कुछ ऐसी है. तो शुरुआत में जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनको फायदे भी बहुत हैं, लेकिन आज क्योंकि हम स्टार्टअप के बारे में आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि एज अ फ्रेशर आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो शायद एक बड़ा मुख्य मुद्दा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस जगह पर कि अगर आप स्टार्टअप में जाना चाहते हैं तो आपको स्टार्टअप के बारे में क्या जानकारी पहले हो जानी चाहिए. जैसे आपको पता है कि भाई फला कंपनी में मेरे को जॉब मिल सकती है या जॉब मिल रही है, तो क्या मेरे को उसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो तो एक स्टार्टअप है. तो आप उसके बारे में क्या क्या जानकारी कहाँ कहाँ से जुटा सकते हैं, उसमें कुछ आइडियाज हम आपको देने वाले हैं. जैसे एक शायद एक वेबसाइट है क्रंच बेस नाम से, मैंने काफी पहले से उसको यूज कर रहा हूं. तो क्रंच बेस पे क्या होता है, आप दुनिया भर की किसी भी कंपनी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा, स्टार्टअप्स भी और जो एस्टैब्लिश कंपनीज है उनके बारे में भी आप जान सकते हैं कि उनको कितनी फंडिंग मिली है, किसने फंडिंग करी है, कब एस्टैब्लिश हुई थी, किसने एस्टैब्लिश करी थी, और भी ढेर सारे इंफॉर्मेशन. ये कई सारी चीजें तो वो फ्री प्रोवाइड करती है और कई सारी इंफॉर्मेशन पेड भी है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्री वाले में भी आपका काम चल जाएगा. तो क्रंच पे आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्टार्टअप कंपनी का स्टेटस जानने के लिए. शायद और कोई नाम आपके दिमाग में आ रहा है? क्रंच पे इसके बाद के अलावा ग्लास डोर पर भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप्स बट सारी कंपनीज के लिए. और एक अच्छी बात यह रहती है कि कई बार मुझे स्टार्टअप के बारे में अच्छे फीडबैक मिलते हैं बिकॉज वहां पर वो लोग स्पेसिफिक एम्प्लॉय फीडबैक लेते हैं और इसको एनोनिमस रखते हैं सो दैट किसी का नाम बाहर नहीं आए. तो जब एनोनिमस रहते हैं ना तब दिल की बात एकदम से निकलती है. अब वो अच्छी हो या बुरी हो, जो भी हो वो आती है, तो उसके रिव्यूज मुझे काफी फायदेमंद लगते हैं ग्लासडोर के. आपने बिल्कुल सही कहा, ग्लासडोर का नाम आपने लिया है. ग्लासडोर एक बहुत रिनाउंड नेम है और उस पर रिव्यू सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत इजीली वो परसेंटेज वगैरह में दिखा देता है कि कितना परसेंट है, तो इट्स गुड थिंग. ठीक है, इसके अलावा शायद आपको मालूम है एक योर स्टोरी करके भी एक स्टार्टअप ही था, अब तो काफी पुराना हो गया. तो कोई एक बिहार की लेडी है, आई फॉरगेट हिज नेम, शायद श्रद्धा, तो जिसने ये योर स्टोरी चालू किया था. इट्स अ काइंड ऑफ ई मैगजीन फॉर स्टार्टअप्स. तो ये न्यूज पब्लिश करते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में बताते हैं कि क्या चल रहा है स्टार्टअप्स की दुनिया में, किसको फंडिंग मिली, किस किसके बारे में क्या कहा गया, जो भी स्टार्टअप्स के बारे में न्यूज होती है वो यहाँ पर आती है. तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिस स्टार्टअप कंपनी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये भी. इसके अलावा शायद कई बार हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी फेक तो नहीं है जिसमें हमें जॉब लगी है, तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड भी है. तो गवर्नमेंट की एक साइट है, मैं URL बोल देता हूँ उसका, www.mca.gov.in ये वेबसाइट का नाम है. और अगर इसके अंदर आप MCAFO पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे आपको कंपनी का नेम डाल के चेक करना है, वो बता देगा कि ये रजिस्टर्ड है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वगैरह और कब रजिस्टर हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो दे देगा.
क्योंकि एक एडवांटेज ये रहता है कि ये कंपनीज भी ऐसी हैं जिनके पास ज्यादा मार्केटिंग के लिए फंड्स अलग से नहीं रहते, तो ये लोग जो है ना ये वर्ड ऑफ द माउथ या फिर दे आर ऑन ट्विटर, जो भी फाउंडर वगैरह रहते हैं ये लोग ट्विटर पे, ट्विटर इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं। इनफैक्ट क्वोरा पे भी कई बार ऐसे रहता है कि ये लोग क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सो सोशल मीडिया पर आपको जितनी भी जानकारी मिल सकती है आप उसको जुटाइए, चेक कीजिए ये कंपनी कैसी है। तो मेन थिंग्स जो आपको चेक करना है वो क्या चेक करना है, ये कंपनी क्या है, ये किस पर काम कर रही है, इनका प्रोडक्ट विजन क्या है, क्या इनके पास फंडिंग है या नहीं है। ओके, क्योंकि आप अपने जॉब की सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा, क्या इनके सीईओ सीटीओ या जो भी मैनेजमेंट है, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स बहुत बड़ी नहीं होती है, इट इज लाइक फ्रॉम 5 people to 50 people यूजुअली, ज्यादातर इतनी उसमें रहती है जब तक वो एक सर्टन लेवल पर नहीं पहुंच जाए। इनफैक्ट 50 people होना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो ये आप जानकारी पूरी कलेक्ट कीजिए कि कहाँ कहाँ से आपको इसके बारे में, कंपनी के बारे में मिल जाता है। देन these people are also reachable, आप इन्हें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और दे विल डेफिनेटली रिप्लाई, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल रिप्लाई टू यू अगर उनकी कोई ओपन पोजिशन वगैरह है तो। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू बिग MNCs, बिग MNCs में nobody cares to respond to you. अगर वो उनके सिस्टम में आ गया तो दे प्रॉब्ली विल रिस्पॉन्ड बट अदरवाइज दे विल नॉट, लेकिन ये लोग काफी अप्रोचेबल रहते हैं। तो यू कैन आइडेंटिफाई के वॉट इज देयर विजन, उनका प्रोडक्ट क्या है, इनके प्रोडक्ट के आगे क्या चांसेस हैं, इनकी फंडिंग कितनी है, वॉट आर देयर 6 months to 1 year प्लान। क्योंकि एज अ फ्रेशर अगर आप 1 year तक भी स्टार्टअप में रहते हो दैट्स अ बिग डील। ओके, उसके बाद आपको इतना नॉलेज हो जाता है कि आप इजिली जॉब चेंज कर सकते हो। तो ये जो भी जानकारी आप ये कलेक्ट कीजिए, अगर कोई स्टार्टअप ऐसी है जो 2-3 साल से है और उनके कुछ एक्स एम्प्लॉयज हैं, उनकी भी जानकारी आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में मिल जाएगी। और शायद अब हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए थोड़े से इसके फायदे और नुकसान के, कि अगर हम स्टार्टअप में जॉब करें तो इसका, क्योंकि जैसे प्रताप ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन है कि उन्हें स्टार्टअप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इज इट गुड फॉर देम और नॉट। तो हमें मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात करनी है। शायद सबसे पहले आपको क्या लगता है कि क्या फायदे हैं अगर हम स्टार्टअप में जाएंगे, तो हमें क्या ऐसा फायदा मिलेगा जो स्टार्टअप में नहीं जाते तो शायद नहीं मिलता। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जो लर्निंग है वो बहुत सही है, क्योंकि जो भी स्टार्टअप्स हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको नई चीज सीखने को मिलेगी और नई चीज पर डायरेक्ट काम करने को मिलेगा। दूसरी बात, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ शायद जो लोग स्टार्टअप में काम करते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ना मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ, इसका ये पोर्शन है जो केवल मैं ही बना रहा हूँ और कोई नहीं बना रहा है, ये पूरा इन और आउट हर चीज मैंने ही डेवलप करी हुई है। तो मतलब वो लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने इतना कुछ अकेले किया हुआ है, ये पूरा का प्रोडक्ट का एक मेजर पोर्शन हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो अक्सर ऐसे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है शायद। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक एक्चुअली बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैंने जो अपनी जो करंट कंपनी है ये एक्वायर हो गई है, बट जो मैंने 3 years back ज्वाइन किया था इट वाज अ स्मॉल स्टार्टअप जिससे सीए टेक्नोलॉजीज ने एक्चुअली एक्वायर किया था। सो हमारी टीम स्टिल वही स्टार्टअप माइंडसेट से माइंडसेट में थी और मैंने जब ज्वाइन किया दे वर स्टिल लाइक दैट। सो बहुत छोटी टीम, बहुत क्लोजली नीटेड एंड यू आर हैविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइक आई एम अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस प्रोडक्ट, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एज अ फ्रेशर या मतलब जब हम फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं तब भी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि आपको ये फील आएगा कि दिस इज माई प्रोडक्ट और मैं इसको किस तरह से अच्छा बना सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से जो बड़ा एडवांटेज है, आपको ऐसी थिंग्स सीखने को मिलती है जो अदरवाइज आपको बड़ी बिग MNCs में सीखने को नहीं मिलती। जैसे बिग MNCs में अगर आप जॉब करोगे तो फर्स्ट 3 to 6 months आपके ट्रेनिंग में चले जाएंगे, उसके बाद के 3 months प्रोजेक्ट ढूंढने में चले जाएंगे, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो प्रोजेक्ट में आप जाओगे नए नए, अरे ये तो अभी बच्चा है या दे आर जस्ट फ्रेशर्स, सो वो एक छोटा मोटा काम देंगे। सो एक्चुअल डेवलपमेंट तो आपको शायद ही देखने को मिले इन योर फर्स्ट ईयर, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 5 service companies, इट इज लाइक दैट। ओके, बट यहाँ पर सडनली आपको बहुत अच्छा और बहुत टेक्निकल काम करने को मिलेगा,
इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है शायद कि ये जो स्टार्टअप वाली कंपनीज होती हैं, क्योंकि ये शुरुआत में काफी छोटे स्केल पे काम कर रही होती हैं, छोटा स्केल इन द सेंस कि उनका ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत थोड़ा सा होता है, एम्प्लॉयज बहुत कम रहते हैं, तो हो सकता है कि एक दो फ्लोर में ही पूरी कंपनी बन जाए उनकी। और अरे कई बार तो ऐसा रहता है एक दो रूम में पूरी कंपनी रहती है, कंपनी बन जाती है, तो आपस में एक तो इंट्रैक्शन का बहुत अच्छे से हो पाता है, प्लस वो हर डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है वो बहुत क्लोजली देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत क्लोज वॉल्स के बीच पीछे काम हो रहा है, सब कुछ ओपन होता है और बहुत अच्छे से सारी प्रोसेसेस को समझ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए कितना फायदेमंद है जो खुद का अपने स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जिनको जानना है कि यार ये सब कुछ होता है कैसे, कैसे अंदर काम होता है, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे उनमें जागेगा अगर वो ऐसी किसी कंपनी में काम कर लेते हैं, तो एंड टू एंड क्या हो रहा है कंपनी के अंदर वो सारी चीजें उनको पता चलती हैं, और कैसे कंपनी रन होती है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, मार्केटिंग कैसे काम हो रही है, एवरीथिंग वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लेते हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं होता है जैसे बड़ी कंपनीज में हो रहा है कि मैनेजमेंट से तो बात करना नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका मैनेजमेंट में भी जो इनफैक्ट सीईओ होगा वो बगल में बैठा होगा, तो आप बहुत इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो, तो ये भी एक एडवांटेज इसमें मिलता है शायद। जी हाँ, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट बहुत रीचेबल है, और यहाँ देखिए जो भी एग्जांपल समझे रहे हैं, हम एक अच्छी स्टार्टअप विच इज लाइक 20-25 पीपल मान के चल रहे हैं, सो दैट जो भी हम बोल रहे हैं कि मार्केटिंग भी है और ये भी है, बट इन जनरल इट इज क्लोज टीम और एवरीबडी इज रीचेबल। आप अपने आइडियाज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो है कि आइडियाज, स्पेशली जो यंग कॉलेज से निकल कर आए हैं, यस कॉर्पोरेट लाइफ इज ए न्यू, लेकिन क्योंकि वो कॉर्पोरेट लाइफ के नहीं है उनके पास आइडियाज भी डिफरेंट है, सो दैट इज अ बिग एडवांटेज फॉर दीज कंपनीज। तो इस तरह के आइडियाज एंड दे आल्सो गिव समटाइम्स फ्रीडम फॉर यू टू चूज, पर इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, बट यू नो एटलीस्ट यू हैव योर आइडियाज आर वैल्यूड, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको सीखने के लिए भी मिलता है, क्योंकि जब आपने कुछ गलत बोला या कुछ गलत आइडिया दिया देन समबडी विल करेक्ट इट, क्योंकि यू नो इफ यू डू इट दिस वे ये प्रॉब्लम होगी, ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, या फिर दिस इज नॉट आवर कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग, तो यू विल गेट सम नॉलेज, और ये नॉलेज आगे जाकर बहुत काम का है। और बहुत यंग एनर्जी होती है यूजुअली स्टार्टअप में, बहुत यंग लोग काम करते हैं, तो एक एनर्जी बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है, बहुत सारे आइडियाज हैं और बहुत तेजी से काम चल रहा होता है, तो जो पेस है ना वर्क कल्चर की, वो भी कई लोगों को बड़ा फैसिनेट कर सकती है और बहुत एनकरेजिंग भी हो सकती है, बहुत एम्बिशियस बना सकती है आपको। इनफैक्ट एक और फायदा मुझे ये समझ में आता है शायद कि अगर आप किसी स्टार्टअप में शुरुआत से जुड़ जाते हो, शुरुआती ईयर्स में जुड़ जाते हो, जो खासतौर पर उस स्टार्टअप के लिए स्ट्रगलिंग फेज होता है या ग्रोइंग फेज होता है, जिसमें वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने की जद्दोजहद में है, और आप एक की रोल वहां प्ले करते हो, तो आप उनके कोर मेंबर्स में आ जाते हो, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है आपकी पोजीशन बढ़ती जाती है, यानी आप हायरार्की में ऊपर के लेवल पे होते हो। किसी एमएनसी में अगर आप एस्टैब्लिश कंपनी में अगर जाते हो तो वहां पे एक हायर पोजीशन पे पहुंचना बहुत लंबा समय ले सकता है और बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग दावेदार होते हैं, लेकिन इधर स्टार्टअप में ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। अगर कंपनी सक्सेसफुल अपना बिजनेस कर पाती है, एस्टैब्लिश हो पाती है, तो हो सकता है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो अब आप जाके बहुत हायर पोजीशन पे है उस कंपनी के अंदर, और ये आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छी बात हो सकती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टार्टअप्स में काम करने का। What do you say? ये एक्चुअली लेवल के हिसाब से भी, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, और मॉनेटरी वाइज, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छा कर रही है, तो डेफिनेटली कंपनी ने यूजुअली स्टार्टअप जो है शेयर्स प्रोवाइड करते हैं, सो वो शेयर्स की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। प्लस अगर वही कंपनी किसी बड़ी कंपनी ने उसे एक्वायर कर लिया, तो दिस विल गो ह्यूज, सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट कैच इज सक्सेसफुल स्टार्टअप। ओके, वो तो है, देखिए रिस्क तो है, यही सबसे बड़ा डिमेरिट हो गया कि जो स्टार्टअप्स होती हैं, ये इनका सर्वाइवल जो होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी वो कंपनी एस्टैब्लिश हुई नहीं है। आपने एक तरह का दाव खेला है कि ये प्रॉमिसिंग है, इसमें अगर मैं काम करूंगा तो मेरा करियर अच्छा होगा, लेकिन आप ये समझो कि वो अभी कंपनी एस्टैब्लिश नहीं है। अगर वो एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाई, हो सकता है उसे फंडिंग ना मिले, हो सकता है वो बिजनेस किसी कारण से टीम उतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड नहीं थी, वो बिखर गई और बिजनेस वहीं चौपट हो गया, बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी वो एस्टैब्लिश नहीं हुई है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी उसमें
फिफ्टी फिफ्टी मान के चलिए आप, अगर अच्छा हुआ तो आपको उसके एडवांटेज फायदे भी बहुत होंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर नुकसान भी बहुत होंगे, इस तरीके से आप उसको सोच सकते हैं। और क्या डिमेरिट आप बोलेंगे? ये डिमेरिट तो हुआ कि हाँ जॉब सिक्योरिटी, बट यू नो व्हाट आई थिंक, कि अगर आपको एक साल भी स्टार्टअप का एक्सपीरियंस हो गया और आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है, यू शुड नॉट थिंक अबाउट जॉब सिक्योरिटी। एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू ईयर्स में तो आपको जॉब सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फ्यू ईयर्स आर योर ग्रूमिंग। आप जो एक्सपीरियंस लेकर जाओगे ना दूसरी कंपनी में, वो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात, अगर आपने स्टार्टअप में दो चार साल काम कर लिया, देन यू विल हैव योर ओन स्टार्टअप मेंटालिटी। तो आपको शायद वो बड़ी कंपनी में जहां अच्छा काम नहीं मिलता है या अच्छा काम नहीं होता है, आपको वो अच्छा ही नहीं लगेगा। सो यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, तो आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। सो यू नो दिस इज अ डिसएडवांटेज कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बट देर इज लर्निंग ऑल्सो। और जो दूसरा मुझे लगता है सौरभ, कि स्टार्टअप इज नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि वहां पर आपको फर्स्ट डे यानी डे वन से आपके अच्छी टेक्निकल स्किल्स एक्सपेक्ट की जाती है। पहली बात तो अगर अच्छी टेक्निकल स्किल नहीं है तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। बट somehow अगर आपका सिलेक्शन हो गया, इफ यू गॉट गेट अ जॉब ऑफर, लेकिन आप टेक्निकली अच्छे नहीं हो, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि ओके वी आर दिस टीम, हम इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं एंड यू हैव पास्ड ऑल इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, बट नाउ यू हैव टू डू द रियल लाइफ प्रोजेक्ट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट गेट सो मच हेल्प। ये क्या रहता है बड़ी कंपनीज में, ओके हमसे सीनियर 10 लोग और बैठे हुए हैं, उनके पास गए, उनसे पूछ लिया। यहाँ पर इतना ग्रूमिंग का टाइम नहीं रहता है। यस थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा टाइम देते हैं ग्रूम करने के लिए, बट इतना ज्यादा नहीं है। सो शायद ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट हो सकता है, क्योंकि जब छोटी कंपनी है तो उन लोगों के लिए भी लर्निंग फेज होता है। वो बहुत ज्यादा, जैसे बड़ी कंपनी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, हर चीज के अपने डिपार्टमेंट है, हर किसी का रोल बहुत क्लियरली बाउंडेड है, वैसा यहाँ पर नहीं होता है, और इसके कारण आपको दिक्कतें भी हो सकती हैं, कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक दिक्कत हो सकती है, सब सबसे सब कुछ बात कर रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, अनप्रोफेशनल थोड़ा सा मैसी तो हो ही जाता है एनवायरमेंट। फायदे भी हैं, नुकसान भी है, और सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है शायद कि जो वर्क लाइफ बैलेंसिंग बैलेंस का चैलेंज है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक आप बैचलर हैं, मेरे ख्याल से तब तक वो इतने बड़े इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपने कहीं फैमिली बना ली, अब आपकी शादी वादी होगी, तो फिर आपको एक चाहिए होता है कि भाई मैं टाइम दे सकूं फैमिली को भी और काम को भी। तो कई बार स्टार्टअप्स में आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना ही पड़ता है। वैसे भी आई डोंट थिंक सो फ्रेशर्स के लिए ये प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वी ब्लेम फ्रेशर्स फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। यही लोग हैं जो बिगाड़ते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ और काम नहीं होता। वो कि 6 बजे की बजाय हम तो 10 बजे तक ऑफिस में बैठे हैं, कुछ नहीं है, वीकेंड में आ जाएंगे, घर में क्या करेंगे, यहाँ पे एसी में बैठे रहेंगे। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, बट यस वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप उस तरह के नहीं है जो ऑफिस में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ज्यादा, दिस विल बी अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने बोला कि हाँ आपका खुद का प्रोडक्ट है, आपको इस तरह की मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी, तो आपको वर्क भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और जब आपको लग रहा है कि हाँ हमारे जो जो स्टार्टअप के फाउंडर हैं और दे आर वर्किंग दिस हार्ड, तो वो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है, बट नॉट फॉर एवरी वन। ओके सो वर्क लाइफ बैलेंस इज अ चैलेंज। और इवन शायद जो स्टार्टअप्स फाइनल स्टेज पे भी पहुंच जाती हैं अपने ग्रोथ के, वो लोग भी ना बहुत ज्यादा फ्रेशर्स को लेकिन हायर नहीं करते हैं। इनफैक्ट कोई भी स्टार्टअप ना फ्रेशर्स को ऐसे बहुत सारे, एक तो बहुत सारे एम्प्लॉयज को वो हायर ही नहीं करते हैं। अब टीम छोटी होती है, चुन चुन के लोगों को लेते हैं, और उसमें भी वो कोशिश करते हैं एक्सपीरियंस लोगों को, जिनको थोड़ा बहुत काम आता हो, काम का एक्सपीरियंस हो। तो फ्रेशर्स को उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिलती नहीं है, मिलती जरूर है। और अगर आप में काबिलियत है, आप ये सोचो कि मेरे को तो कुछ नहीं आता है, कंपनी में जाके सिखा देंगे, एक बार को ये सर्विस बेस्ड एमएनसीज वगैरह में पॉसिबल है, लेकिन स्टार्टअप्स एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको नॉलेज हो, आप उनके लिए वैल्यू एडिशन हो। ऐसा नहीं हो कि आपको पहले सिखाना पड़े फिर आप काम करोगे, ऐसी मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बात होती है। जी हाँ, तो स्टार्टअप यूजुअली इंटर्नशिप स्टार्टअप्स में अच्छे से मिल जाती है और इजीली मिल जाती है अगर आपका टेक्निकल स्किल अच्छा है तो। सो और उसी इंटर्नशिप के बेसिस पे दे डिसाइड के शुड वी हायर दिस गाय और गर्ल और नॉट। दिस अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम डायरेक्टली, ये इंटर्नशिप के थ्रू ही आती है। और आई थिंक इट इज फेयर स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, दे डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क कि किसी को भी हायर करो एंड
later they have to fire it because they are also human. So I think mujhe ye fair lagta hai ki aap as an intern ro unhe kuch few months kaam karwao, dekho kaise hain. If you find ke kafi potential intern hai, then they will release the offer. Aur ye bahut common se hota hai. Aur ek aur startups ke favor mein ye baat bolunga ki they don't do hiring. तो वो एक लेवल पे सर्टेन लेवल पे जाकर ही हायरिंग करते हैं जब उनका थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हमारे पास फंडिंग है, नाउ वी कैन स्पेंड फॉर नेक्स्ट सिक्स मंथ ऑन फ्यू पीपल, देन दे हायर. और आई थिंक इट इज अ गुड टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड कि हाँ कैसे वर्क करता है कैसे वर्क नहीं करता है. एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखिए, इट इज नॉट अ शेम टू गेट फायर्ड. ओके, यहाँ पर स्पेशली यूएस यूरोप में बोलते हैं कि एवरीबडी गेट्स फायर्ड, एवरीबडी. ओके, ये ध्यान रखो कि स्टीव जॉब्स को भी फायर किया था. ओके, सो फायरिंग को एक बहुत बड़ी चीज मत मान के रखो, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स. अगर आपको चांस मिलता है और आपको लगता है कि ये स्टार्टअप बहुत अच्छी है, आई वुड सजेस्ट ट्राई इट. ओके, आपका कुछ नहीं जाता, थोड़ी बहुत फंडिंग रख लो. इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो ज्यादा लोगों को फायर कर देती हैं तो काफी ज्यादा न्यूज में आ जाती है बात, और ये कंपनी के रेपुटेशन के लिए भी कई बार अच्छा नहीं होता है. इसलिए भी कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो अपने एम्प्लॉयज को फायर करे, कोई नहीं चाहता है. फायर करने के लिए मजबूरी होती है कि फंडिंग की दिक्कत होती है, हो सकता है कि उसके लिए कुछ काम नहीं निकल रहा हो, वो काम में कहीं फिट नहीं बैठ रहा हो, इस कारण से निकालना पड़े, या फिर बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि उस एम्प्लॉय ने कुछ गलत कर दिया जिसके कारण उसको निकालना पड़ रहा है. अल्टीमेटली तो मैं ये कहूंगा कि कंपनी कभी नहीं चाहती कि निकालना पड़े. तो एक फ्रेशर को हायर करना और उसके बाद पता चले कि यार ये उतना काम नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, इतनी रिस्क ये स्टार्टअप्स नहीं लेना चाहते हैं. तो स्टार्टअप्स क्या करती हैं, वो इंटर्न्स को रखती हैं, इंटर्न्स को एक दो महीने अपने पास काम कराती हैं और फिर देखते हैं कि यार ये इसमें पोटेंशियल है तो उसको जॉब भी ऑफर कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि नहीं यार ये प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, इसको अगर हम रखेंगे तो ये वैल्यू एडिशन है. तो इंटर्नशिप अगर आपको मिलती है इन जगहों पर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि उसे जॉब में कन्वर्ट कराना है तो इंटर्नशिप बहुत अच्छा रास्ता है. तो आप इंटर्नशिप को नो मत बोलिएगा, इंटर्नशिप आप करिएगा अगर आपको स्टार्टअप में जॉब चाहिए तो. तो इट्स अ गुड थिंग. तो सर आपने ये भी फाइंड आउट किया है कि अभी कौन कौन सी स्टार्टअप्स हैं जो हायरिंग कर रही हैं? यस, मैंने ऐसे सर्च किया था कि जो टॉप 10 टॉप 15 ऐसी कौन से स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर जो हायरिंग कर रही हैं, क्योंकि बहुत कम स्टार्टअप्स होती हैं जो अर्ली स्टेज पे हायरिंग के स्थिति में आती हैं. तो ये क्या होता है, जैसे इसका जो पूरा सिस्टम होता है कि पहले भाई सीड फंडिंग है, सीड फंडिंग के वक्त तो ज्यादा कुछ हायरिंग होती ही नहीं है, फिर सीरीज ए की फंडिंग आ रही है, सीरीज बी, सीरीज सी, ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं. तो कुछ जो थोड़ा सा सीरीज में आगे निकल चुके हैं, जिनको कई बार फंडिंग मिल चुकी है और थोड़ा सा अच्छा एस्टैब्लिश हो गए फंडिंग के मामले में, तो ऐसे लोगों ने हायरिंग अपनी तेज कर दी है. जैसे कुछ मैं नाम लेता हूँ, एक इंस्टामोजो है जो बेसिकली पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है, वो बहुत हायरिंग कर रहे हैं इस समय. इक्सिगो जो कहना चाहिए जिसमें आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, और उनका कुछ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो वॉलेट में पैसे होते हैं उसको आप एक बार में भी पूरा यूज कर सकते हो, जो कई दूसरे उनके कॉम्पिटिटर्स यूज नहीं कर पाते हैं, वो उनका एक यूएसपी है और वो मार्केट में अच्छा एस्टैब्लिश हो रहे हैं. इसके अलावा अनअकैडमी एक नाम है, और अनअकैडमी पे तो मैंने भी अपने लेसन बना के रखे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने उसमें लेसन बना के रखे हुए हैं, तो इट्स अ गुड स्टार्टअप. नाइका है या हैप्टिक है या क्राफ्ट्सविला है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल टॉप में उभर के आते हैं जो हायरिंग कर रहे हैं. तो जो लोग स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं, प्लीज चेक करिए, जितने भी ये मैंने नाम लिए हैं आप इनकी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और इनको रीच कर सकते हैं अगर आप इनमें काम करने में इंटरेस्टेड हैं. इनके बारे में आपको पूरी डिटेल इनकी साइट्स पे मिल जाएगी कि किस प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट तलाश रहे हैं. तो आप प्लीज अगर स्टार्टअप में जाना चाह रहे हैं तो इनको जरूर चेक करिएगा. तो शायद मेरे ख्याल से ये हमारा था पूरा आज का हिसाब किताब, लेकिन अब हम थोड़ा कंक्लूजन दे देते हैं जिसमें कि हम ये बता सकें कि प्रताप सिंह या प्रताप सिंह जैसे बहुत सारे लोगों का जवाब मिल जाए कि आपको जॉब, मैं आपसे पूछता हूं शायद कि किस में जॉब करना चाहिए, स्टार्टअप में जॉब करना चाहिए या फिर कोई एस्टैब्लिश बिजनेस में जॉब करना चाहिए? ये इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है सौरभ, बट या आई विल ट्राई इन स्टार्टअप. लेकिन डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से पूरी छानबीन जरूर करूंगा कि क्या स्टार्टअप है, किस तरह की, आर दे रीचेबल, आर दे वेलकमिंग फॉर मी टू मी, क्या मेरी टेक्निकल स्किल्स मैच होती है, क्या मुझे ग्रोथ का चांसेस है वहां पर. और अगर ऐसा सब मुझे मिलता है कि ग्रीन टिक्स आ रहे हैं सब में, ओके एवरीथिंग इज फाइन,
then yes, definitely I would prefer startup, क्योंकि MNCs में शायद मुझे एक दो साल तक उतना काम करने को नहीं मिलेगा जो मैं 6 months में एक startup में कर लूंगा. So I will prefer startups, but definitely those green checks जिसके बारे में मैंने बात की है, मैं उसको जरूर check करूंगा. और जब जैसे बोलते हैं ना, पूरी छानबीन करके ठोक बजा के देखेंगे कि हाँ सब सही है, तब जाके definitely I will apply for startup. ये बिल्कुल ऐसा है शायद कि जैसे कि आपको मार्केट में पैसा लगाना है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे या बैंक में एफडी कराना चाहते हैं या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे. तो देखिए सारे ही मोड्स अच्छे हैं लेकिन सब में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है. किसी में रिटर्न अच्छे हैं तो रिस्क ज्यादा लग रही है, किसी में रिटर्न कम है तो रिस्क कम है. तो आपको अपने हिसाब से भी थोड़ा चुनना होता है. लेकिन वहां आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने फंड्स को तीनों जगह थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते हैं. लेकिन जब आप करियर की बात करते हैं तो वहां आप अपने आप को एक ही जगह पर लगा सकते हैं. तो अब आप स्टार्टअप में जाना चाहते हैं तो स्टार्टअप की आपको रिस्क आपको समझ में आए कि जॉब सिक्योरिटी की भी रिस्क हो सकती है. सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका कैप्टन कैसा है, वो शिप डूबेगा कि नहीं डूबेगा. इसके लिए आप पहले उसके कैप्टन के बारे में समझो, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, उस कितनी फंडिंग मिली हुई है. तो जो हम लोगों ने आपको शुरुआत में बताया कि आप पहले चेक कर लीजिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो स्टार्टअप प्रॉमिसिंग है. और अगर आपको लगता है सब रिसोर्सेज आपके यही कहते हैं कि हाँ ये प्रॉमिसिंग है तो बिल्कुल आप उसमें जा सकते हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप इस स्थिति में है, क्या आपकी ये कैपेसिटी है कि आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उस स्टार्टअप के अंदर. यानी अगर आपको लगता है कि आप अगर उस कंपनी में जाएंगे तो आप एक की रोल निभा सकते हैं और आप कुछ ऐसा जानते हैं, आपके अंदर वो स्किल है जो उनके बेहद काम की है. तो अगर ऐसा आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो वहां जैसा काम मिलेगा फिर मैं समझूंगा कि मेरे को करते बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहीं जाके सीखूंगा, बहुत ज्यादा अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो फिर आप स्टार्टअप में ना जाके एमएनसी में जाइए. क्योंकि वहां पे बहुत टॉलरेंस है. एमएनसी वगैरह में क्या होता है, बहुत ज्यादा उनमें सहन शक्ति है. अगर आप एक साल तक काम के नहीं हुए ना तो भी वो आपको जॉब से निकालेंगे नहीं, क्योंकि उनका इतना उनकी कुबत है यार, उनकी औकात है कि वो इतना पाल सके लोगों को. तो आप एक एक दो दो साल तक कुछ अच्छा नहीं कर. और शायद एक और बात होती है ना, बड़ी कंपनी में हर तरह के रोल्स होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के रोल्स होते हैं. तो आप में जो काबिलियत है ना उसके हिसाब से वो आपको काम दे देंगे. तो आपके सर्वाइवल की आपको टेंशन नहीं है. लेकिन अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हैं ना तो यू हैव टू बी एम्बिशियस, यू हैव टू बी वर्कहोलिक. आपको होना चाहिए कि भाई आपको काम करना पसंद है, आप दिन रात भी काम कर सकते हो और आप वाकई में कुछ जानते हो जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो फिर आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए. बट अल्टीमेटली मैं तो बोलूंगा फ्रेशर हो, ट्राई करो, ठीक है. हाँ मैं भी यही कहता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं स्टार्टअप को ज्वाइन करना प्रेफर करता. अगर फ्रेशर हो तो ये रिस्क ले सकते हो, बाद में जाके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है तो ज्यादा डरने लग जाओगे. सो इसलिए जस्ट ट्राई इट. ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई कर लो, 3 months वर्क करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. रिज्यूमे में मत डालो कि हाँ इस कंपनी में काम किया नहीं किया, अगर सक्सेसफुल हो गए तो रिज्यूमे में डाल दो, नहीं तो 3 months काम करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो. तो प्रताप सिंह ये अब आप पे निर्भर करता है कि आप पहले अपने आप को एनालाइज करें कि आप किस तरह के इंसान हैं. आप एक एमएनसी में काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को या स्टार्टअप के वर्क कल्चर में अपने आप को ज्यादा फिट देखते हैं. तो आप जवाब जरूर दीजिएगा कि आपको इस आंसर में संतुष्टि हुई कि नहीं हुई और आपका आप क्या विचार बन रहा है कि अब आप क्या करने वाले हो. इसी तरीके से बाकी लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि इस वेबकास्ट के बारे में आपकी क्या राय है. आप भी स्टार्टअप के बारे में अपनी राय दे सकते हैं और अगर आपको लगता है कुछ बहुत अच्छी बात है तो आप कमेंट के माध्यम से हम लोगों को जरूर बताइए. तो मेरे ख्याल से शायद आज का हम एपिसोड यहीं पर खत्म करना चाहेंगे. कुछ और बात आपको करनी? नहीं नहीं, बस आज के लिए हम जितना कवर करना चाहते थे उतना कवर कर चुके हैं. आप भी अपने व्यूज बताइए और प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट से हमें पता लगेगा कि आपके क्या फीडबैक है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और दूसरे लोगों को भी बोलिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें. आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय. थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक.